नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह एंड मैं एक पेटेंट एजेंट भी हूँ। मेरा पेटेंट एजेंट नंबर है 3339। आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 25 से लेके सेक्शन नंबर 28 तक, जो एक दूसरे को कोरिलेट भी करते हैं। सेक्शन नंबर 25 है ओपोजिशन प्रोसीडिंग टू ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। उसके अंदर सेक्शन नंबर 25(1) है प्री ग्रांट ओपोजिशन। ओपोजिशन करना यानी किसी को ओपोज करना। किसको ओपोज कर रहे हैं? जिसकी एप्लीकेशन फाइल हुई है उसको ओपोज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? प्री ग्रांट, ग्रांट से पहले कर रहे हैं। कैसे करेंगे? बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 7A। कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। अगर इंडियन एप्लीकेशन है तो इंडियन पर्सन कोई भी कर सकता है कि 7A फॉर्म फाइल किए और बताएं कि क्यों ये ओपोजिशन के अंदर आ रहा है। अब कौन कौन से ग्राउंड पे ओपोजिशन हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ग्राउंड है wrongfully obtained, किसी ने गलत तरीके से यह obtain किया हो, या फिर published before the priority of claim, जो भी application की claim की priority हो उससे पहले कोई उसी claim के साथ application publish हो चुकी हो, ये B ground है। C ground क्या है? By priority date of claim, priority date अगर claim की oppose कर रही हो तो उसे भी कहेंगे हम सी ग्राउंड, जहां से भी ओपोजिशन प्री ग्रांट ओपोजिशन फाइल की जा सकती है। डी ग्राउंड, पहले से ही पता हो, पब्लिकली नोन और यूज किया जा रहा हो तो वहां पर भी ओपोजिशन आ सकता है कि पहले से ही पता ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इन यूज है। ई ग्राउंड, ऑब्वियस लग रहा हो, पर्सन स्किल इन द आर्ट, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, मेरे सामने कोई ऐसी चीज आ गई जो एज पर द मैकेनिकल लॉ बहुत ही ऑब्वियस है, ये तो होना ही चाहिए, तो उस ग्राउंड पे रिजेक्ट की जा सकती है एप्लीकेशन को। इन्वेंशन नॉट एज पर एक्ट या रूल नहीं बनाया गया है तो भी उसको ओपोज किया जा सकता है एज पर दी ग्राउंड 7A 25(1), एज पर दी सेक्शन 25(1). जी ग्राउंड, क्लैरिटी, जो भी लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन के अंदर, ड्राफ्ट के अंदर, ड्रॉइंग्स के अंदर, वो समझने में दिक्कत आ रही है, क्लैरिटी नहीं है वहां पर, तो उस बेसिस पे भी ओपोज किया जा सकता है। सेक्शन 8 अंडरटेकिंग के बेसिस पे भी ओपोज किया जा सकता है। सेक्शन 8 क्या कह रहा है कि जो भी फॉरेन एप्लीकेशंस भी हो रही है, अगर इंडियन एप्लीकेशंस के बाद फॉरेन एप्लीकेशंस हो रही है तो वो फॉरेन एप्लीकेशंस के अंदर हमें क्या करना है, उन फॉरेन एप्लीकेशंस के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको इंडियन कंट्रोलर को बताना है। अगर वो चीज नहीं पता है तो सेक्शन 8 के अंदर 25(1)(h) के अंदर प्री ग्रांट ओपोजिशन वहां पर की जा सकती है। अब आई ग्राउंड के बारे में बात करते हैं। आई ग्राउंड है कन्वेंशन एप्लीकेशन किसी ने फाइल की है, ऑर्डिनरी एप्लीकेशन फाइल करने के बाद 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं तो एज पर टाइमलाइन वो नहीं होना चाहिए, तो वहां पर भी ऑब्जेक्शन दिया जा सकता है। सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अगर इंडिकेट ना किया गया हो स्पेसिफिकेशंस के अंदर, रेफरेंस के अंदर, तो वहां पर भी सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल नहीं डिस्क्लोज किया गया है उसके बेसिस पे यहाँ पर भी ओपोजिशन ग्रांट की जा सकती है, ओपोजिशन की जा सकती है किसी भी पर्सन से। एंशियंट नॉलेज, अगर जो भी एप्लीकेशन बनाई गई है वो पुरानी जो नॉलेज है हमारी, जो सांस्कृतिक वारसा है हमें, उससे रिलेट कर रही है तो भी वहां पर प्री ग्रांट ओपोजिशन की जा सकती है। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल TKDL है। के, तो ये हो गए A to K ग्राउंड, जहां पर प्री ग्रांट ओपोजिशन बाय फाइलिंग 7A फॉर्म फाइल की जा सकती है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन के बारे में। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन होता कब है। जब पेटेंट ग्रांट हो जाती है, ग्रांट पब्लिश हो जाती है जब पेटेंट की, उस पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट के दिन से 1 बरस के अंदर अंदर पर्सन इंटरेस्टेड, जो उसके रिसर्च में, उसकी मार्केटिंग में, या उस प्रोडक्ट या प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व है, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, पर्सन इंटरेस्टेड से ही वो ओपोजिशन की जा सकती है वो बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 7। उसमें क्या होगा, ए टू के ग्राउंड रहेंगे, सारे के सारे ग्राउंड्स पे ओपोजिशन किया जा सकता है, जो भी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किए वहां पर। कंट्रोलर नोटिफाई करेगा पेटेंटी को, पेटेंटी को मींस जिसकी पेटेंट जिसके नाम पे ग्रांट हुई है, कि आपके ऊपर प्री ग्रांट ओपोजिशन लगा है, ये ग्राउंड्स है, इसका डिफेंस कीजिए, और ओपोजिशन बोर्ड कंस्ट्रक्ट करेगा। तो कंट्रोलर एक ओपोजिशन बोर्ड को कंस्ट्रक्ट तभी कर सकता है जब उसको नोटिस ऑफ पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन मिली हो।
तब वो ओपोजिशन बोर्ड कंस्ट्रक्ट करेगा। ओपोजिशन बोर्ड जो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, जो जो भी ग्राउंड्स है उसको चेक करेंगे, पेटेंटी को बुलाएंगे, उससे रिप्लाई लेंगे, चेक करेंगे, हियरिंग बनाएंगे और एक कंक्लूजन निकाल के देंगे कंट्रोलर को कि उनके हिसाब से क्या लग रहा है कि ये जो ग्राउंड है ओपोजिशन का वो सही है या नहीं है। तो ये ओपोजिशन बोर्ड कंस्ट्रक्ट होगा। ये सारी चीजें जो होती है ना वो 25-2 एंड 25-3 के अंदर रहती है। 26 सेक्शन क्या बता रहा है, इन केस ऑफ ऑप्टेनिंग कंट्रोलर ने ट्रीट द पेटेंट एज अ पेटेंट ऑफ ओपोनेंट। अब समझो ऑप्टेनिंग क्या है, आपकी एक पेटेंट है, मैंने गलत तरीके से आपको बताए बगैर, आपकी एक पेटेंट है, आप ऑफिस में डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, ऑफिस पे आप एक दिन वो पेटेंट छोड़ के चले गए थे दूसरे कोई काम के लिए 10 मिनट के लिए, मैंने वो पेटेंट का फोटो निकाल लिया और मेरे नाम पे पेटेंट फाइल कर दी यहाँ पर। अब आप प्रूव कर रहे हैं कि सारी चीजें आपके पास है, आप ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, सारी चीजें आपके पास है, समहाउ यू आर एबल टू प्रूव दैट कि वो आपसे मैंने छीन ली है। तो अब आप क्या करेंगे, इन केस ऑफ ऑप्टेनिंग कंट्रोलर मे ट्रीट द पेटेंट इज अ पेटेंट ऑफ ओपोनेंट। तो आप मेरे ओपोनेंट हो चुके, अभी पेटेंट मेरे नाम पर फाइल है मगर आप मेरे ओपोनेंट हैं। तो वहां पर अगर आप फॉर्म नंबर 12 फाइल करके, एज पर द सेक्शन 25(2) फॉर्म नंबर 12 फाइल करके आप पेटेंट ऑफ ओपोनेंट अपनी नाम पे वो पेटेंट को करवा सकते हैं। पहले तो आपको ओपोजिशन लेना पड़ेगा, ओपोजिशन के बाद आप फॉर्म नंबर 12 फाइल करेंगे अगर आप जीत चुके हैं तो। या फिर अगर थोड़ा सा पार्ट, पूरे के पूरे एप्लीकेशन का छोटा सा पार्ट अगर आपसे मैंने लिया है तो उस पार्ट को अमेंड करवाने के लिए भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। ये कहां पर लिखा हुआ है, रूल नंबर 63A में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 28 की, मेंशन ऑफ द इन्वेंटर एज सच इन पेटेंट। किसी पेटेंट के अंदर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर की डिटेल्स प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की गई है तो क्या होगा, इन्वेंटर नॉट मेंशन कैन क्लेम बाय फिलिंग फॉर्म नंबर 8। फॉर्म नंबर 8 फाइल करके अगर मुझे लगता है कि मैं आपकी एप्लीकेशन जो फाइल है उसमें मैं इन्वेंटर हूं तो मैं फॉर्म नंबर 8 फाइल करूंगा और कंट्रोलर को बताऊंगा कि भाई मैं इसका ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हूं। अगर और किसी को भी लगे मेरे अलावा तो वो भी, एनी अदर कैन ऑल्सो फाइल सेपरेटली बिफोर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट। ये चीज करनी है, पेटेंटी से हियरिंग फ्रॉम बोथ द पेटेंट एप्लीकेंट एंड द इन्वेंटरशिप एप्लीकेंट किया जाएगा, यानी पेटेंटी से भी कहा जाएगा कि क्या, सॉरी, हियरिंग फ्रॉम द पेटेंट एप्लीकेंट, एप्लीकेंट को भी कहा जाएगा और जो भी इन्वेंटरशिप मांग रहे हैं उसको सुना जाएगा कि किस तरीके से जो पेटेंट एप्लीकेशन जिन्होंने डाली है वो कह रहा है कि ये ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं है, और जो भी ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर अपने आप को बता रहा है वो किस बेसिस पे कह रहा है कि वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है, उन दोनों को सुना जाएगा और सुनने के बाद कोई एक डिसीजन पे आया जाएगा। इन बिटवीन जो क्लेम कर रहे अपने आप को इन्वेंटर, वो अपनी एप्लीकेशन वापस भी ले सकते हैं, वन कैन रिमूव हिज एप्लीकेशन ऑल्सो। तो ओवरऑल प्रोसेस समरी ऑफ दिस थ्री पर्टिकुलर सेक्शन, 25 में ओपोजिशन बोर्ड है, 25 में ओपोजिशन के ग्राउंड्स है, A2 के ग्राउंड्स है, और 25(2) के अंदर पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन है, पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन भी हो सकती है। 26 के अंदर अगर रॉन्गफुली किसी ने ऑप्टेन कर लिया हो पेटेंट को तो वहां पर क्या करना चाहिए उसके बारे में बात है, और 28 में, सेक्शन नंबर 28 में बात है कि अगर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का मेंशन नहीं किया गया है पेटेंट में तो क्या होगा, उसके ऊपर भी बात की गई है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन से ही नए 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 आयाम खुल पाएंगे कि क्या मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। तो कमेंट की तो मैं वेट करूंगा ही आपकी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या बुरा भी लगा है तो कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में जरूर बताइएगा एट द डिस्क्रिप्शन।